शैलेश तिवारी का। और कल्पेश जी, इन्होंने अपनी जन्मतिथि बताई है 30/7/1974, समय है सुबह के 8:50 और जन्म स्थान है इनका कानपुर, उत्तर प्रदेश। प्रश्न इनका ये है कि ये नौकरी चेंज करना चाहते हैं, जहां जाते हैं वहां बॉस से, जो भी इनका बॉस होता है, उससे परेशानी ने फेस करनी पड़ती है और फिलहाल एडवर्टाइजिंग का इनका बिजनेस है, तो नौकरी ये चेंज करना चाहते हैं, तो क्या कुछ इन्हें करना पड़ेगा? शैलेश जी, आपकी होरोस्कोप को देखने से पहले तो ये पता चलता है कि आपको बॉस से जो तकलीफ हो रही है, उसके लिए आपका इस कुंडली में सूर्य कारणभूत हो सकता है और हुआ भी है, क्योंकि इस कुंडली में लगने से आपका 12th हाउस में यानी 12वें स्थान में शनि के नक्षत्र में यानी कि पुष्य नक्षत्र में बैठा हुआ है, और उससे आपको अपने बॉस से कहीं ना कहीं नौकरियां चेंज करना है तो कोई कोई परेशानी पैदा होती है। एक बात बताना चाहूँगा इस कुंडली में कि आप पहले तो आपका चंद्र राहु का जो दोष लेके बैठे हुए हो, मानसिक चिंताएँ ज़्यादा बढ़ेगी, और नौकरी स्थान का लॉर्ड भी आपका आपके लाभ स्थान में बैठा हुआ है, तो पहले तो नौकरी चेंज मत करो, नौकरी को पकड़ के रखो, और हो सके तो आप जल्दी से जितना सूर्य का स्टोन धारण करोगे तो आपको फायदा रहेगा, और अपने पिताजी के साथ भी अच्छा रिश्ता रखोगे, पिता के साथ ज़्यादा रहोगे, ज़्यादा समय बिताओगे, तो आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। और आपने जो बोला है कि आप एडवर्टाइजिंग बिजनेस से, एडवर्टाइजिंग के कामकाज से जो जुड़े हुए हो, तो मैं आपको एक ही चीज़ बताना चाहूँगा कि आपकी कुंडली में शुक्र जो है वो राहु के नक्षत्र में बैठा हुआ है। राहु एक कल्पना देता है, चंद्रमा के साथ जब राहु होता है तो आपके सुख स्थान के अंदर, चौथे स्थान के अंदर, आराम स्थान के अंदर जो चंद्रमा के साथ राहु बैठा हुआ है, आप देखना कि आप जब घर पे शांति से बैठते हो तो आपको नए नए आइडियाज़ आते हैं, उसका कारण भी ये चंद्र राहु है। ये चंद्र राहु आपको पॉजिटिव इफेक्ट देता है, लेकिन नेगेटिव एक बात बता दूँ कि आप कोई भी चीज़ को अपने मन पे ले लेते हो, तो मन पे मत लीजिए, और आप सूर्य का मारक रत्न जितना भी जल्दी धारण करोगे, और उसको एक बात बता दूँ, उसको आपको गोल्ड में नहीं पहनोगे तो चलेगा, आपको कॉपर में पहनने की बहुत ज़रूरत है, और कॉपर के ग्लास में पानी भी यदि आप ज़्यादा पीते हो, कॉपर की थाली में भी आप खाना खाओगे, तो आपको अच्छा बेनिफिट मिलने के चांस इस कुंडली में दिख रहे हैं। बिल्कुल, यानी शैलेश जी, जो जो बातें कल्पेश जी ने आपको बताई हैं उनका ध्यान जरूर रखिएगा, फायदा आपको जरूर मिलेगा।